सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना। एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं, एक नए लोकेशन में स्वागत करते हैं, एक नया ग्रीन बैकग्राउंड हमारा है। मेरे मसीह भाइयों, परमेश्वर का धन्यवाद करें और सुबह सवेरे की प्रार्थना में जुड़े। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है आप हम सब के लिए पढ़ देते हैं। नीति वचन 15:3, यहोवा की आँखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं, यानी खुदा की जो आँखें हैं वो सब स्थानों पर लगी रखे हैं। परमेश्वर आपको और हमको देख रहा है, इसलिए परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर के साथ भय के साथ जीवन बिताएं और वही काम करें जो परमेश्वर खुदा के लिए पसंद हो। जब भी आप ड्यूटी निकले, काम के लिए निकले, खुदा से प्रार्थना करके जाएं, खुदा से दुआ करके जाएं, खुदा से प्रार्थना करके जाए ताकि आपके जो काम है वो सफल होने पाए। मेरे मसीह, जब भी आप काम करें परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे पिता मेरे हर एक काम सफल हो जाए, मेरा कोई नुकसान ना होने पाए, गंदी आत्माओं से दुष्ट आत्माओं से बचाना हमारे परिवार को और हमें भी। इस तरह से आप दुआ कर सकते हैं, इस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है 2 तीमोथियो 3:12 कहता है, पर जितने मसीह यीशु में है भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, वे सब मारे कूटे जाएंगे, वे जेल में बंद किए जाएंगे, वे तड़पाए जाएंगे, उनका लहू बहाया जाएगा। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यगन आप इस पर विश्वास करते हो तो आपको सताव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वचन खुद साबित करता है कि जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यानी सताव तो आएगा, मेरे मसीह बहनों, भक्ति के साथ अगर जीवन बिता रहे हैं तो सताव आएगा, पर जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, वे सब मारे कूटे जाएंगे। ये हम नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह बहनों। इसलिए परमेश्वर के साथ रहें, ऐसा कोई काम न करें। अगर आप परीक्षाओं में खड़े हैं, डटे रहें, अगर आप शैतान से लड़ रहे हैं, लड़ते रहें, परमेश्वर को विजयी करेगा। लेकिन हमें वही काम करना जो खुदा के लिए अच्छा हो, जो खुदा को पसंद आता हो, जो खुदा को भाता हो, यही परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह भाइयों। अगर आप परमेश्वर के साथ रहना चाहते हो तो दुख तकलीफें थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हाथ थाम करके, मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं तेरी रक्षा करूँगा। मेरे मसीह, अगर आपके जीवन गुप्त रीति से पाप हैं, गुनाह हैं, तो आज ये छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपको माफ़ करेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर रहम करेंगे, क्योंकि वचन कहता है योएल 2:12 यहाँ प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। परमेश्वर कहता है जितने पाप हो गए हो गए, वीडियो देखा, व्यभिचार किया, चोरी किया, मूर्ति पूजा किया, हो गया मेरी ओर, अब तो आओ, जो आपने कर दिया कर दिया, लेकिन परमेश्वर कह रहे अब तो तुम मेरी ओर फिरो, अब तो तुम मेरे पास आओ, रोते पीटते हुए मेरे पास आओ, उपवास रखो, ये परमेश्वर कह रहे हैं, उपवास रखो, रोते पीटते हुए मेरे पास आओ, पूरे मन से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, ये परमेश्वर कहते हैं। आपके चाहे पाप लाल रंग के हो, वे ऊन के समान सफ़ेद हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी के रंग के हो तब भी ऊन के मन श्वेत हो जाएंगे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो इस पृथ्वी पर अच्छे अच्छे पदार्थ खाएंगे, और अगर हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे तो हम मेरे मसीह कष्ट में रहेंगे, बीमारियां, दुख तकलीफ में रहेंगे, क्योंकि उस परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर से हट जाता है। यानी परमेश्वर का हाथ हटने से हमारी पूरी तरह से ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। मेरे मसीह, वहाँ पर दुष्ट आत्माएँ को हम इन्वाइट कर देते हैं और वो हमारी दशा बिगाड़ देती हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा विरोधी जो शैतान है लूसीफर, वो फाड़ने वाला भेड़िया है, इस ताक में रहता है किसको उसको फाड़ का है। यानी वो लूसीफर भेड़िया है, फाड़ने वाला भेड़िया है, और प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें बचाऊंगा उससे। और बचाएगा कब? जब हम परमेश्वर की पनाह में रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, तो परमेश्वर हमारी उसमें मदद करते हैं, परमेश्वर हमारी उसमें सहायता करते हैं, और परमेश्वर हमारी उसमें मदद करते हैं, सहायता करते हैं। रोते पीटते हुए परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर रहम करेंगे, आपको क्षमादान कर देंगे। क्या करना है? रोते पीटते पूरे मन से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, पश्चाताप करना है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। चलिए अगला वचन देखते हैं। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका काम है, आप काम करें, परमेश्वर इस काम के लिए आपको प्रतिफल देंगे, इनाम देंगे। परमेश्वर का अगला वचन क्या कहते हैं इसको देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 22:12 यहाँ पर प्रकार से लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, यानी यीशु मसीह कहते अब देर नहीं है, जल्दी है, जल्दी आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यानी परमेश्वर आपको इनाम देने के लिए आ रहा है, आपको प्रतिफल देने के लिए आ रहा है, आपको पुरस्कार देने के लिए आ रहा है, आपको रिवॉर्ड देने के लिए आ रहा है। तो परमेश्वर कह रहे हैं हर एक काम
कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। मैं अल्फा ओमेगा मैं हूँ, परमेश्वर का वचन कहता मत्ती 19:23 वचन। प्रभु यीशु ने कहा मनुष्य शुद्ध या नहीं हो सकता है परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यानी अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, दवाइयों से डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे मसीह परमेश्वर के पास है, ये परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, यानी जो गुप्त अंग होता है। तो एक स्त्री थी, उसने बहुत सारा खर्चा कर दिया था डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर से वो ठीक नहीं हो सकी थी। तो जैसे यीशु मसीह के उसने कपड़े छुए थे, उसका लहू बहना बंद हो गया था, वो बीमारी ठीक हो गई थी। डॉक्टर ने उसे ठीक नहीं कर पाया था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे चंगाई दे दी थी। तो कई कई बीमारियां ऐसी ऐसी होती हैं जो डॉक्टर नहीं ठीक कर पाते, लेकिन प्रार्थना से ठीक होती हैं। कोई कोई ऐसी बीमारी होती जो शैतान की तरफ से होती हैं और दवाइयों से ठीक नहीं होंगी, तो परमेश्वर ठीक करते हैं, परमेश्वर उन्हें चंगा कर देते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, मैं तुम्हें चंगा करूँगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूँगा, मैं तुम्हें पवित्र करूँगा। तुम मेरी ओर फिर कर आओ, मेरी ओर फिरो, रोते पीटो उपवास कर तो मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूँगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारी चिंताओं को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे भविष्य को जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या लाभ है क्या हानि है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए लहू बहा दिया। मेरे मसीह, तो हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, आपको सोचने की और समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर अगला वचन क्या कहता है, नीति वचन 29:27। धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वालों से घृणा करता है। यानी दुष्ट लोग जो होते हैं, जो सीधी चाल चलते हैं, उनसे घृणा करते हैं। जब आपके दोस्त होंगे, आपके भाई रिश्तेदार होते हैं, वो अन्य जाति लोग होते हैं, तो आपसे घृणा करेंगे, आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि आप सीधी चाल चल रहे हैं, आपसे बात ना करें तो वो लोग नफरत करेंगे। तो ये परमेश्वर का वचन साबित करता है। मेरे मसीह भाई, आप जब भी घर से निकले, प्रार्थना करके निकले, दुआ करके निकले कि हे पिता परमेश्वर मेरे साथ स्वर्गदूत रहे जो मेरी रक्षा करे, जो मेरी सुरक्षा करे, आने जाने में मेरी हेल्प करे, इस तरह से आप दुआ कर सकते हैं, इस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी दुआ कबूल की जाएगी, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर स्वयं देंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि मेरे बेटे बेटियाँ गरीब रहें, परमेश्वर नहीं चाहते कि मेरे बेटे बेटियाँ पछतावा करें गलतियाँ करके। लेकिन क्या करें, गलतियाँ तो हो ही जाती हैं मेरे मसीह, क्योंकि जानबूझ के गलतियाँ नहीं करनी है। अगर हो जाती हैं तो आपको पछतावा कर लेना, माफी मांग लेना, परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे। बार बार गलतियां नहीं करेंगे तो फिर बार बार आपके लिए लहू कौन बहाएगा, क्योंकि एक बार परमेश्वर ने लहू बहा दिया है। फिर से पाप करोगे तो फिर से पाप करने जो लहू बहाएगा तो लहू कौन बहाएगा पापों के लिए, फिर बलिदान कौन करेगा। मेरे मसीह बहनों, यीशु मसीह का धन्यवाद करें, यीशु मसीह से प्रार्थना करें, यीशु मसीह से दुआ करें, यीशु मसीह आपकी रक्षा करेंगे। अगर आप गरीब हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, आपकी गरीबी दूर होगी। अगर आप बीमार हैं तो खुदा से प्रार्थना करें, बीमारी चंगाई परमेश्वर खुदा देंगे। अगर आप कर्जे में हैं, कर्जा परमेश्वर थोड़ा बहुत हल्का करेगा, किसी न किसी तरीके से रास्ता निकाल देता है परमेश्वर। परमेश्वर कहते हैं मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, लेकिन मनुष्य से नहीं हो सकता है। अगर किसी श्राप में पड़े हुए हैं तो श्राप का बंधन यीशु मसीह तोड़ सकते हैं। दुष्ट आत्माओं के वश में पड़े हुए हैं, अगर आपके घर में दुष्ट आत्मा है, शैतानी आत्मा है, तो प्रभु यीशु मसीह उनको निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास ये अथॉरिटी है, ये अधिकार है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने बहुत सारी निकाली हैं, गूंगे बहरे दुष्ट आत्माओं को निकाला है, उनको बोलने तक नहीं देते थे दुष्ट आत्माओं को। और दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से कहते थे तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, वो पहचान जाती थी मेरे मसीह बनो। और दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर डांट डपट कर निकालता था, किसी किसी दुष्ट आत्मा को बोलने तक नहीं देता था। तो आपके पास ऐसा अधिकार होना चाहिए, आपके पास ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए, ऐसी ताकत होनी चाहिए कि दुष्ट आत्मा आपको देख के डर जाए कि आप परमेश्वर का बेटा है या परमेश्वर का बेटा जो इसके अंदर वचन है। ऐसा आपको पवित्र जीवन जीना है मेरे मसीह बनो। हालेलुया। मेरे मसीह बनो, आपको क्या करना है, अगर आपके यार हैं, दोस्त हैं, भाई मेरे रिश्तेदार हैं तो गंदी बातें निकल जाती हैं, तो खुदा से माफ़ी मांग लिया करो। लेकिन हमें जानबूझ के गंदी बातें नहीं निकालनी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। यानी कोई भी गंदी बात, प्रभु कह रहे हैं कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, तो नहीं निकलनी चाहिए, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए दुआ करें, प्रार्थना करें। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप हमारा सपोर्ट करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। प्रार्थना को जरूर करें। प्रार्थना जब आप करके जाते हो तो आपके हर एक काम बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं जिस काम में तू हाथ लगाएगा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देगा। परमेश्वर हमें आशीष देंगे। अंत के दिनों में प्रभु कहते हैं तुम्हारे मन कहीं खुमार ना हो जाए, जीवन की चिंता में सुस्त ना हो जाए। अंत के दिनों में तुम कहीं मूर्ति पूजा ना करने लगो, तुम व्यभिचार ना करने लगो, तुम चोरी चकारी ना करने लगो, तुम मुझे छोड़ ना दो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं प्रतिफल देने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हालेलुया। हे हमारे पिता, स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। प्रभु आप बड़ाई के योग्य हैं, प्रभु आप तारीफ के योग्य हैं, प्रभु आप जगत की ज्योति हैं, प्रभु आप जीवन की रोटी हैं। आपने प्रभु हमें बचाया है, संभाला संभाला है, और ये दिन दिखाए, उजाला दिखाए प्रभु, ये दिन दिखाए, आपका धन्यवाद करते हैं।
प्रभु आप जगत की ज्योति हैं, प्रभु आप जीवन की रोटी हैं, आप उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। प्रभु से मांगो, प्रभु से मांगो, क्योंकि प्रभु कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई प्रभु से मांगता है उसे दिया जाएगा। अगर आप प्रभु से मांग रहे हो तो परमेश्वर आपको देंगे। प्रभु आपको चिंता करते हैं कि मेरे बच्चों को, मेरे बेटे बेटे को क्या घटी है, क्या समस्या। परमेश्वर जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता आपका धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। प्रभु आपकी बड़ाई कहते हैं क्योंकि आप बड़ाई के योग्य हैं। मेरे मसीह में परमेश्वर हमारा तीसरे स्वर्ग में है। वो हमें देख रहा है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। परमेश्वर हमें देख रहा है क्योंकि परमेश्वर की आँखें जो हमको देख रही हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं ऐसा जीवन जियो, ऐसा पवित्र जीवन जियो ताकि तुम्हें न्याय के दिन शर्मिंदगी महसूस न करनी पड़े, तुम्हें पछताना ना पड़े, वहाँ पे तुम्हें रोना ना पड़े, वहाँ पे तुम्हें गिड़गिड़ाना ना पड़े। हमें ऐसा जीवन जीना है मेरे मसीह बनो, क्योंकि यहोवा कहते हैं हर एक का न्याय होगा और हर एक का न्याय होगा उसके कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यानी परमेश्वर के पास प्रतिफल है, हमें इनाम देने के लिए, हमें सजा देने के लिए, जो कुछ करने के लिए परमेश्वर के पास वो अधिकार है, वो अथॉरिटी परमेश्वर के पास है। जब एक एक का न्याय परमेश्वर करेगा तो वहाँ पे लोग रोएंगे, पछताएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। जब उनको नरक में डाला जाएगा तो उनको जब सजा दी जाएगी तो वो लोग पछताएंगे, वो लोग तड़पेंगे, वो लोग रोएंगे कि हे पिता मेरे साथ ऐसा ना कर, हे पिता मुझे माफ़ कर, हे पिता हम पर दया कर, हे पिता मुझको अनुग्रह कर, मुझे बचा ले, जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा कर दे। ऐसे लोग माफ़ी मांगेंगे, लेकिन उस समय माफ़ी का समय ख़त्म हो गया, हो चुका होगा। इसीलिए अगर आपको माफ़ी मांगना है तो अभी मांगो, परमेश्वर आपको माफ़ कर देंगे। क्योंकि अभी आप जिंदा हो तो माफ़ी मांग ले सकते हो, लेकिन नरक में बहुत सारे लोग ऐसे जो आज भी माफ़ी मांग रहे हैं, आज भी लोग पछता रहे हैं, आज भी लोग रो रहे हैं, आज भी लोग तड़प रहे हैं, आज भी लोग चिल्ला रहे हैं कि हे पिता मुझे क्षमा कर, हे पिता मुझे नरक से बचा ले, हे पिता तू नरक से बचा ले, हे पिता तू मुझे निकाल ले, मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गए, मुझसे गुनाह हो गया, तू मुझे क्षमा कर दे, मैं पछता रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ। ऐसे लोग माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन आप माफ़ करने का समय ख़त्म हो चुका है मेरे मसीह बनो। अगर परमेश्वर ने आपको सुबह दिखाई, अगर परमेश्वर ने आपको दिन दिखाया, उजाला दिखाया, तो खुदा के पास आइए। क्योंकि वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि आने वाले जो दिन हैं वो बुरे हैं। इन्हें जैसे ही रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, यहाँ पे लोग भूखे मरेंगे, तड़पेंगे, लोग चिल्लाएंगे, हाहाकार मचाएंगे, लोग पछताएंगे, लोग फांसी लगा के जहर खा के मरेंगे, क्योंकि बहुत सारे पास्टर लोग यहाँ पे छूट जाएंगे। वचन कहता है जो पांच मूर्ख कुमारियाँ थी रह गई थी और कहती हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे, लेकिन स्वामी ने उत्तर दिया था अब दरवाज़ा बंद हो चुका, कोई फ़ायदा है नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, परमेश्वर आपको संभाला है, परमेश्वर ने दिन दिखाया, उजाला दिखाया है। तो खुदा से प्रार्थना करो मेरे मसीह, खुदा से दुआ करो, आपको खुदा ही संभालेगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहता हूँ कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इन्हें आपके भाई बहन रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं, आपको अलग कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं, आपको घर से निकाल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने खुद लहू बहाया है। और वही परमेश्वर जीवित खुदा कह रहा है कि मत डर, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ। इतनी खुशी की बात है जब खुदा हमारे साथ, तो हमें डरने की या परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन क्या करें, गलतियाँ आ जाती हैं और खुदा तब भी हमें माफ़ करता रहता है। जब तक अगर जिंदा है आप माफ़ी मांगते रहिए, मरने के बाद कोई माफ़ी नहीं, क्योंकि आज नरक में लोग माफ़ी ही मांग रहे हैं, आज नरक में रो ही रहे हैं, आज लोग नरक में चिल्ला ही तो रहे हैं, पछता तो ही रहे हैं, आलोक तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि पिता मुझे माफ़ कर, पिता हम पर दया कर, पिता हम पर अनुग्रह कर, पिता तू मुझे क्षमा कर। ऐसे लोग क्या कर, ऐसे लोग माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन माफ़ी का समय ख़त्म हो चुका है। अगर परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, तो परमेश्वर के पास आइए। जब एक मनुष्य के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो हमें फिर से पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर से दुष्ट आत्मा मेरे मसीह आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आपको नाश करने के लिए, आपको बर्बाद करने, दुष्ट आत्मा आपकी खोज में रहती है कि किसको फाड़ गए, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए खुदा से प्रार्थना करें, इसलिए खुदा से दुआ करें। पिता इस प्रार्थना को सुने, स्वीकार करें और प्रभु जल्दी से उत्तर दीजिए। मुझे वेट और इंतजार है कि प्रभु आप मेरे साथ रहते, आप मेरी दुआओं को सुनते, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। पिता आपका धन्यवाद कहते हैं। दया करें प्रभु, आप अनुग्रह करें, मदद और सहायता करें। यीशु मसीह आपके नाम से मांग लेते हैं, आमीन।